वेलकम बैक फ्रेंड्स माय चैनल फेयर एंड केयर टिप्स। दोस्तों आज मैं आपके हेल्थ से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूं, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में लोग अपने खान पान का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम उन दोस्तों को बताएंगे कि वे अपने बिजी लाइफ में अपने खाने पीने में कौन कौन सी ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल हर्ब्स के सेवन के बारे में बताएंगे जो गर्मी के मौसम में भी ठंडक का एहसास कराती है। गर्मियों के मौसम में ठंडक का एहसास दिलाने में सबसे नंबर वन पर आता है पुदीना। पुदीने में इतने सारे गुण हैं कि इस पर बात करना शुरू करें तो समय कम पड़ सकता है। लेकिन हम कुछ ऐसे चुनिंदा लाभों पर नजर डालेंगे जो हमें गर्मी के दौरान राहत दिलाने का काम करता है। ताजा खुशबूदार और स्वादिष्ट पुदीना। तेज गर्मी और तपती धूप से परेशान होकर हम लोग अक्सर कहते हैं कि गर्मी के कारण हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है या हमारा दिमाग खराब हो रहा है, तो इस स्थिति में पुदीना हमें मानसिक राहत देने का काम करता है। इसकी वजह है पुदीने में पाए जाने वाला मेथनॉल, जो हमारे तन और मन दोनों को ठंडक पहुंचाकर गर्मी से राहत दिलाता है। गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कई बार कुछ फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं लेकिन स्मेल नहीं आती। ऐसे में अक्सर पेट दर्द, बदहजमी और अपच की समस्या होती है। इस स्थिति में आप पुदीने की 5 पत्तियां धुलकर काले नमक के साथ अच्छी तरह चबाकर खाएं और उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर लेट जाएं। चंद मिनटों में आपको राहत मिलेगी। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इससे गर्मी के मौसम में पुदीने का सेवन करने से ना लू लगने का असर हो पाता है और न ही वायरल फीवर, फ्लू या इन्फ्लुएंजा की चपेट में हम आते हैं। यानी गर्मी के मौसम में पुदीना बीमारियों को दूर रखता है। पुदीने का सेवन पकौड़े, पूरी, चटनी, दाल आदि में किया जा सकता है। इसके साथ ही पुदीने का रायता तो लाजवाब होता है। यानी आप किसी भी रूप में पुदीने का सेवन करें, आपको स्वाद और सेहत दोनों मिलने ही हैं, क्योंकि पुदीने में कॉपर, मैग्नीज और विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। गर्मी के कारण मन खराब होना, उल्टी जैसे आना, जी घबराना जैसी कई असहज कर देने वाली स्थितियां अचानक ही बन जाती हैं। इस समय पर पुदीना मिला हुआ जलजीरा, आमपन्ना या पुदीने से तैयार कोई अन्य ड्रिंक आपको बहुत अधिक राहत देगी। यदि ऐसा कुछ बनाना संभव ना हो तो आप काले नमक के साथ पुदीना पत्ती का ही सेवन करें और इस समस्या से छुटकारा पाएं। पुदीने की चाय बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित होती है। बस बिना दूध की चाय बनाएं और इसमें चाय पत्ती के साथ ही कुछ पुदीने की हरी पत्तियां भी डाल दीजिए। जब चाय अच्छी तरह से पक जाए तो छान कर इसका सेवन करें। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में पुदीना चाय किसी टॉनिक की तरह काम करेगी।